नमपाई एरे सिंगल डायमेंशनल एरे का जो भी प्रोग्राम अभी आप लोगों को नोट्स में दिए थे और वीडियो में बना करके हम आप लोगों को भेजे थे, ठीक है, तो उन सभी का प्रैक्टिकल हम करके खुद से आप लोगों को दिखला दे रहे हैं। क्योंकि इसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल में छोटा छोटा बटन होता है और समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगेगा तो ये वीडियो का साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम पहले से ये सारा कुछ हम टाइप करके रखे थे। देखो कि यहाँ पर एक बार हम लोग क्या किए कि नमपाई को ले लिए, ठीक है, और एक बार नमपाई हम ले लिए, बाकी जैसे ये देखो इम्पोर्ट इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। तो एरे वन मतलब एरे जो इंडिपेंडेंट लिस्ट के थ्रू हम लोग बनाते थे ना, पहला वाला प्रोग्राम वही है, ठीक है। और दूसरा वाला देखो कि लिस्ट के थ्रू जो हम लोग एरे को बनाते थे, हैशटैग दे करके देखो कि हम ऊपर में सारा कुछ प्रोग्राम का जो भी टैग है कि वो प्रोग्राम किसके लिए बना हुआ है वो सब कुछ बनाए हुए हैं। देखो हर एक एग्जांपल में हम इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हर एक प्रोग्राम के बाद में इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी नहीं लिखे। उसका वजह ये है कि हम लोग एक ही IDE में सारा प्रोग्राम कर दिए, इसीलिए एक बार हम लोग नमपाई ले लिए, बाकी हम लोग वो सारे प्रोग्राम को लिख दिए। अब देखो कि जब ये सारा प्रोग्राम लिन स्पेस तक हम वन डायमेंशनल एरे को पढ़ाएं, अब इसमें सब में देखोगे तो ध्यान से अगर देखोगे तो हम आउटपुट भी 1, 2, 3 करके लिखे हैं। देखो फर्स्ट आउटपुट, सेकेंड आउटपुट, थर्ड आउटपुट, फोर्थ आउटपुट, फिफ्थ आउटपुट, सिक्स्थ आउटपुट और सेवन्थ आउटपुट, ठीक है। तो हम लोग जो फंक्शंस पढ़े थे एरे के थ्रू क्रिएट करना, प्रोमीटर के थ्रू क्रिएट करना और ये अरेंज फंक्शन के थ्रू क्रिएट करना और फिर लेन स्पेस के थ्रू क्रिएट करना, तो एक बार हम लोग इसको रन करा करके देख लेते हैं। यहाँ पे रन कराएंगे, ठीक है, और रन कराने के बाद इसका आउटपुट जो नीचे आया है, ठीक है, उसको एक बार देख लो। देखो है ना, फर्स्ट आउटपुट 1, 2, 3, सेकेंड आउटपुट 5, 7, 9, 11, तो जो वो एलिमेंट सारा है वहाँ पर लिए हुए हैं उससे ये एरे क्रिएट हो गया। तो आगे आप लोग भी कुछ अपना बना करके कोशिश करना बनाने के लिए, ठीक है, और तुम लोग भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, हो जाएगा।